मखदुमपुर गांव में श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति के मौत मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। शनिवार की दोपहर 3 बजे DSP सुमित कुमार अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दिया कि बीते 3/11/2024 को क्रापेश्वर थाना क्षेत्र के मखदुमपुर गांव में हीरेंद्र यादव एवं अशोक यादव दोनों का माँ का श्राद्ध कार्यक्रम था। इस दौरान उनके बहनोई के द्वारा हर्ष फायरिंग किया गया था, जिसमें चिकसौरा थाना क्षेत्र के भवानी बिघा गांव के प्रमोद यादव के पुत्र आशीर्वाद यादव को गोली लगा था। क्रापेश्वर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया था, जहां चिकित्सक के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। इस मामले को लेकर क्रापेश्वर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में नामजद अभियुक्त हीरेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या कुछ करें DSP सुमित कुमार, जरा सुनिए। किस मामले को लेकर गिरफ्तारी हुआ सर? दिनांक 30/11/2024 को मखदुमपुर गांव थाना कराय परसुराय में एक श्राद्ध क्रम का भोज चल रहा था, जिसमें अनाधिकृत रूप से नाच प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। उसी नाच प्रोग्राम में जो मुख्य आयोजक थे हरिंदर यादव, उनके और उनके परिजनों द्वारा अंधाधुंध हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें आशीर्वाद यादव जो भवानी बिघा के रहने वाले हैं, लाल सिंह त्यागी ग्रामीण महाविद्यालय अंगारी धाम के भूमि दान दाता आदरणीय स्वर्गीय कुलदीप महतो का श्राद्ध कार्यक्रम में पहुंचे कई नेतागण एवं कई विधायकगण। बता दें कि नालंदा के लोकप्रिय सांसद कौशलेंद्र कुमार के वह ससुर हैं और अंगारी धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष रामभूषण दयाल के पिताजी हैं। इस दौरान कई राजनीतिक दल के नेतागण शामिल हुए हैं, कई स्थानीय विधायकगण शामिल हुए हैं, यहाँ आसपास क्षेत्र के भी कई स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए, जहाँ उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया गया है।